पटना के सगुना मोड़ पुलिस चौकी में देखिए आग लग चुकी है। आग किस वजह से लगी है पता नहीं चल पाया है, लेकिन पूरा थाना धू धू कर जल रहा है। और सबसे हैरत की बात है कि पटना के इतने पौष इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके में ये थाना है, लेकिन पूरा थाना धू धू कर जल रहा है, लेकिन अभी तक दम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे नहीं पाई है। अंदर जो मालखाना था, मालखाना के अलावा अंदर जो कारतूस थे वो देखिए ब्लास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे थाना को बचाया नहीं सका है और पूरा थाना परिसर पूरी तरीके से धू धू कर चल रहा है। यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो आग लगी है वो बढ़ते गया है। और सबसे हैरत की बात है कि यहाँ पे आग लगने के बावजूद, इन्फॉर्म करने के बावजूद दमकल की टीम, आपने कितना देर से आग लगा हुआ? आपके तो थोड़ा देर पहले 15 मिनट हो गया। नहीं, फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं आया। यहाँ पर लगातार जो है आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं सारे पुलिसकर्मी किसी तरह से भागकर जान बचा चुके हैं। और अंदर की हम बात करें तो अंदर जो मालखाने में जो हथियार थे, जो बैरक में हथियार थे, उसकी जो कारतूसें हैं वो लगातार ब्लास्ट कर रही है। यहाँ पे ये आवाज यहाँ पे देख रहे हैं और किस तरीके से जो आग जो लगी है पूरे थाना को चपेट में लिया। किसी तरीके से जो मौके पर जो पुलिसकर्मी थे वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे हैं। और जब घटना घटी थी उसमें कई पुलिसकर्मी भी अंदर थे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सगुना मोड़ है, पुलिस चौकी है और यहाँ पे जो ट्रैफिक के अलावा जो आम जो है वो यहाँ पे पुलिस वाले से बात करें। कितना देर से आग लगा हुआ है? हम नहीं देखे, हमने आज तो अभी यही देखी है, थोड़ा देर पहले आए गश्ती में हम लोग। अच्छा, कितने लोग अंदर आते थे चौकी में? चौकी में 10-12 पूछे। देखिये बिल्कुल आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं अभी तक काबू नहीं कर पाया सका है आग पर। और यहाँ पर जो है दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची है और पूरा थाना जो है वो धू धू कर जल उठा है। कैमरा मैन अमिताभ ऊर्जा, पटना।